drop it. हेलो जी, क्या हालचाल हैं आपके? कैसे हैं? बाल बच्चों की सुनाएं, घर वाले सब ठीक है? तो सीन ये है कि जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको एक रीज़न बताई थी कि हमारी वीडियोस कंसिस्टेंटली क्यों नहीं आती, तो आज हम आपको दूसरी रीज़न बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज सैटरडे है और सैटरडे संडे ऑफिस से छुट्टी होती है। ये बात बताने की वजह यह है कि हमारा जो चार्जर है मोबाइल का चार्जर ऑफिस में रह गया और अभी 22% है फ़ोन, वो भी किसी से लेके किया। तो अब हर टाइम किसी से लेके तो कर नहीं सकते और 22% पे वीडियो तो बन नहीं सकती, तो अभी हमें एक डाटा केबल लानी पड़ेगी जिससे हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। कैश हमारे पास है नहीं, अकाउंट में सारे पैसे पड़े हुए हैं और मेरा जो ATM कार्ड है वो ब्लॉक हो चुका है, तो उसके लिए पहले मुझे तलहा की तरफ जाना पड़ेगा, तलहा के ATM से निकलवाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? तो हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं। पहले हम जाएंगे तलहा की तरफ, तलहा को पैसे ट्रांसफ़र करके उसके ATM से हम कैश निकलवाएंगे, फिर आगे की बात हम आपसे बाद में कर लेते हैं। तलहा भाई, एक अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि अगर आप फ्री हैं तो बाहर आ जाएं, मैं बाहर खड़ा हूँ, नवाजिश होगी आप। हेलो जी, अब मज़े की बात यह है कि तल्ला भाई के पास भी कार्ड नहीं है, बायोमेट्रिक यूज़ कर, अमीर बंदे हैं क्या करें, मतलब कार्ड के बगैर ATM यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे जाना है डाटा केबल लेने के लिए, तो अब उसके बाद फिर घर चलते हैं, और कोई काम नहीं है हमें इधर। पूरी मार्केट घूमने के बाद हमें एक दुकान मुश्किल से मिली जिससे हमने अपनी डाटा केबल ली है। अब आप हमें एक घंटे की मोहलत दें ताकि हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकें, फिर उसके बाद हम आपसे मुहातिब होते हैं और हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, तो फिर मिलते हैं घंटे डेढ़ घंटे के बाद। हेलो जी, ये एक डेढ़ घंटा को एक डेढ़ दिन में चेंज हो गया, और उसकी रीज़न ये है कि कल रात को हमारे कज़न्स ने हमें पूल पार्टी पे इनवाइट किया था, हम उधर चले गए थे। थैंक यू हनान अंजबर फॉर इनवाइटिंग अस, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरा नाक बंद हो गया। मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने वहाँ पर कोई पिक्चर नहीं क्लिक की, बिकॉज़ आई वॉज़ लिविंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मेरी वीडियो भी आज की उसके ऊपर थी, वो उस बारे में भी बात कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो स्किप भी कर सकता था, क्योंकि ये वीडियो मैंने कल शूट करनी थी और आज मुझे ये अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब माइट बी ये मंडे को अपलोड हो, लेकिन मुझे अब ये वीडियो अपलोड करनी है बिकॉज़ मुझे कंसिस्टेंट होना है। मेरे बाबा कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर घुसना है तो उस चीज़ के अंदर आपको मार खड़नी पड़ती है, और ये मार दूसरी मार मत समझ लीजिएगा, ये मार वो वाली मार है कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आपको अपनी कंफर्ट जोन के अंदर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम निकल रहे हैं अब, मेरा गला इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, मेरा नाक बिल्कुल बंद हुआ है, जैसा मेरा टूट रहा है, लेकिन मुझे ये वीडियो लाजमी बनानी थी। लेकिन मुझे ये वीडियो लाजमी बनानी है और ये अपलोड भी मैं करूँगा। तो खैर, अब बात करते हैं लिविंग द मोमेंट की। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था कि अगर आपको कभी लिविंग द मोमेंट या फिल्मिंग द मोमेंट के अंदर से कभी किसी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ जाए तो सिलेक्ट लिविंग द मोमेंट। तो मुझे उस वीडियो के बाद एक मैसेज आया था कि इससे आपका क्या मतलब है लिविंग द मोमेंट और फिल्मिंग द मोमेंट के अंदर। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हम इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। स्कूल में कभी आपने सुना होगा कि टीचर कहती थी कि भाई एग्ज़ाम्पल दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और हम तो फुल मार्क्स के लिए खेलते हैं। तो हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आपको बचपन से बादशाही मस्जिद जाना था या फैसल मस्जिद जाना था फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको बड़ा शौक था उधर जाने का, बड़ा इश्तियाक रखते थे आप उधर जाने के लिए,
तो आप उधर पहुंचे और आप उधर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। और अगर पिक्चर्स और वीडियोस आपके एंजॉयमेंट के रास्ते में नहीं आ रहे फिर तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे और आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, या आप कहते हैं भाई मुझे ये शॉट इधर से इधर लेना है, लाइटिंग ना चले जाए, जल्दी से कैमरा निकाल लो, लेंस लगा लो और ये शॉट यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो ताकि लाइट ना चले जाए, तो इसमें आपको उस जगह की कोई भी मेमोरी, कोई भी फीलिंग याद नहीं रहेगी। मेरे साथ हो चुका है, मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, आप अपनी किसी चीज़ की मेमोरी बचाना चाहते हैं, तो भाई पे यकीन कर लीजिए, नहीं तो एक्सपीरियंस कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ मान लो भाई की बात, बेहतर है। अब दूसरी रीज़न व्लॉग्स कंसिस्टेंटली ना बनाने की ये थी कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी, स्टूडियो स्पेस टाइप या वर्क स्पेस जिसको मैं बोल सकूँ, और ना ही मेरे पास लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू था। खैर, लाइटिंग का इशू हमने रिजॉल्व कर लिया था उस दिन, और हमने जगह भी बना ली अपने व्लॉग्स बनाने के लिए। अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आएगी हमारे पास, और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रहेगी अब हमारे व्लॉग्स के अंदर। और यही बात थी, तो बाय बाय। शर्ट देख रहे हो भाई की शर्ट, किसी ज़माने में भाई क्रिकेट खेलता था, पता नहीं कहाँ गया वो दिन।